मैं हूं आपके साथ, आपका अपना दोस्त पंकज। और हर बार अपने अलग अलग नए नए मेहमानों को मैं अपने पॉडकास्ट में लाता रहता हूं। और आज भी हमारे साथ एक हमारी बड़ी ही प्यारी सी खास मेहमान है, हरियाणा की पॉपुलर सिंगर हैं, और इनका वलम अल्टो गाना आपने जरूर सुना होगा। सपना चौधरी ने भाई इसमें एक्ट किया है और काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। तो स्वागत करते हैं इस गाने को और तमाम नए अन्य सुपरहिट गानों को देने वाली वंदना जहांगीर जी का। वंदना जी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट पे। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूं और आई होप बहुत सारी बातें हूं आपसे। शुरुआत यहीं से करना चाहेंगे कि आज हरियाणा में मतलब नाम कमा लिया अच्छा खासा, और इंस्टा पर चले जाओ, फेसबुक पर चले जाओ, यूट्यूब पर चले जाओ, आपके गानों की वीडियोस काफी ज्यादा वायरल होती हैं, रील्स शॉर्ट्स बनाकर सभी लोग वायरल करते हैं। तो कैसे इस सफर की शुरुआत हुई थी, सिंगिंग में आना कैसे हुआ, उस बात से शुरुआत करते हैं। वो स्कूल टाइम में जब मैं छोटी थी ना, तो डीजे पे सॉन्ग वगैरह चलते थे, तो मैं कहा यार मैं भी गा सकती हूँ, ऐसे मैं भी कर सकती हूँ, है ना। ये तो एक कीड़ा सा होता है ना, बचपन से ही था थोड़ा। तो टीचर भी बोलते थे तू ना ऑडिशन देने चली जा, ऐसे कर ले वैसे कर ले। तो मैं स्कूल में गाती थी 26 जनवरी पर, 15 अगस्त पर, और किसी डे पे जैसे महात्मा गांधी ये हो गई जयंती वगैरह, तो मैं गाती थी। तो फिर सर भी मेरे को बहुत बोलते थे कि वंदना तू जा तू, लेकिन मैं अंदर से ये था कि भाई शायद मैं नहीं हूँ इस लायक शायद। फिर धीरे धीरे करने लगी, फिर मैं टीचर के साथ रागनियां वगैरह देशभक्ति ये सब गाती थी स्कूल में, तो गांव वाले भी ऐसे 100 रुपए 10 रुपए ऐसे देते थे, तो अच्छा लगता था। फिर अब मैं सोचती थी कि है ना, अब क्या भगवान ऐसा करे कि कमाई का जरिया बन जाए, यही चीज क्या पता। लेकिन फिर हुआ ये कि मेरी नानी के यहाँ पे एक लड़का है तो वो लिखता है, तो फिर बाद में उनसे लिखवाया सॉन्ग, फिर मैंने पहला सॉन्ग मेरा रिकॉर्ड किया, कॉपी ट्रैक था शुरू में। ओके मैंने बहुत सारे कॉपी ट्रैक गाए हैं, मैंने बहुत सारे कॉपी ट्रैक किए हैं। तो ऐसे धीरे 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 करते करते नए भी गाने लगी, नई लिरिक्स और सब, नई कंपोज वगैरह पे सब, तो हो गया धीरे धीरे। तो भगवान की मर्जी थी कि आए लड़की इस लाइन में, तुम आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। और आ गए हैं और जमे हुए हैं और ऐसे ही जमे रहे, आगे बढ़ते रहे। अच्छा वंदना, आप हरियाणा से नहीं आती हैं, आप राजस्थान से आती हैं, है ना। जितने हमारी रिसर्च कहती है, हमारी टीम ने जो रिसर्च किया है, सो वहां से निकलकर हरियाणा आना, फिर नाम कमाना, कितना मुश्किल रहा या क्या कुछ फेस किया, उसके बारे में अगर आप बताना चाहें। फेस तो देखो स्ट्रगल सभी करते हैं, और पहली बात ये है कि मैं मिडिल क्लास भी मत समझो, पहले तो बहुत लो लेवल से उठ के थोड़ा, अब भी मतलब मिडिल क्लास भी बोले तो जी वो भी मैं नहीं बोलूंगी कि मैं हूँ भाई कुछ, है ना। तो अब बहुत मेहनत करी है बहुत ज्यादा। अब जैसे लोग बोलते हैं कि है ना नई नई सिंगर्स बहुत सारी आई हैं लाइन में, और बोलते हैं कि वंदना देख वो लड़की कल आई थी इस लाइन में, और एक गाड़ी ले आई वो, लेकिन मैंने आज तक गाड़ी वगैरह कुछ नहीं ली। मैं बस से सफर करती हूँ, और कभी जैसे पॉसिबल होता है तो मैं गाड़ी से भी सफर कर लेती हूँ, इतनी वो नहीं है, लेकिन मैं ज्यादातर मैं बस से ही सफर करती हूँ। तो मेरा ये रहता है कि मैं जो कमाऊँ मैं मेरी फैमिली के लिए करूँ। अगर हाँ ऐसे है कि भाई फैमिली ठीक है भाई जरूरत नहीं है, तो मैं मेरे पैसे मैं कैसे भी मतलब मेरे यूज करूँ मैं, लेकिन मेरा ऐसा नहीं रहता। मैं पहले घर को देखती हूँ फिर बाद में खुद को। तो मैं सोचती हूँ कि अब मैं एक एम होता है ना, वो एम अभी मेरा पूरा हुआ नहीं है, जब जब हो जाएगा ना तो मैं शायद काम सारे करूंगी, गाड़ी भी लेके आऊंगी और सारे नहीं, विवेश की आपका जो भी एम है वो पूरा हो, और जल्द से जल्द हो सके तो इसी साल 2023 में ही हो जाए तो अच्छा रहेगा। उस पर आपके दोबारा से एक नया इंटरव्यू आपके साथ हो जाएगा। अच्छा मुंह आपने, में घी तक हमारे यहाँ जी जी बोलते बिल्कुल। हैं। अच्छा अभी आपका बहू लाडली एक गीत था जिसमें उत्तर कुमार जी और कविता जोशी ने भी एक्ट किया था, नहीं उसके बारे अभी में। का नहीं था वो नहीं मतलब हमने जो हमने सुनते हैं उसे, हाँ हम आज भी तो था, हमने सुना था, उसके बारे पीछे की क्या कहानी थी, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। कहानी ये है कि मेरा भाई है, जैसे मेरे पापा के सगे मामा जी है ना, उनका जो जी पोता जी अरविंद जहांगीर, शायद आपने बहुत सारे अभी ये सॉन्ग है ना वो क्या बोलते हैं हैवी घाघरा, और ये जी कंठ मनीषा शर्मा का,
और बहुत जी सारे काफी जो अजय हुड्डा सर के आ रहे हैं ना अभी, काफी सॉन्ग वो ही म्यूजिक कर रहा है फिलहाल अरविंद ओके जांगिड़। तो ओके जब शुरू में स्टूडियो लगाया तो मैं वहां मतलब जाती थी, और मैं भी मेरी भी बिगिनिंग ही थी, शुरुआती थी। तो फिर एक दिन हुआ ये कि वो एक सॉन्ग था, वो नहीं था छोड़ के पढ़ाई सीखने लगी कैसे लाइफ हाँ को वो वाला सॉन्ग था। तो फिर वो पता नहीं कहाँ से डब करवाया था, मैं गलत नहीं बोलूंगी, लेकिन शायद उनको पसंद नहीं आया होगा ऐसे करके। फिर वो बोल रहे थे कि हम ना दूसरी सिंगर को करेंगे, दूसरी सिंगर ऐसे। तो मैं बैठी चुपचाप, तो मैंने बोला मैं गा सकती हूँ ये, गा के दिखा। थोड़ा वो स्ट्रिक्ट है शायद, है ना, उसके फेस फेस ही शायद ऐसा है कि मेरे को तो शुरू से ही डर लगता है उससे, पता नहीं क्यों। ओके फिर ओके चल गा के दिखा, माँ ठीक है मैं गाऊंगी। फिर मैं चली गई अंदर रिकॉर्ड करने के लिए, फिर मैंने गा दिया वहाँ। फिर उसके बाद में बहू लाडली सॉन्ग ये फिर मैंने रिकॉर्ड किया, तो ओके ठीक लगी आवाज इसलिए करवा लिया ओके अच्छा, डिक्शन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि हम भी वॉइस पर अपना काम करते हैं, वॉइस ओवर करते हैं, तो सिंगिंग में भी डिक्शन पर बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। तो जब आप अपने शुरुआती सफर में थे, जब आपने सिंगिंग करना शुरू किया था या सीखना शुरू किया था कहीं से, कोई ऐसा वर्ड होता था जो आप मतलब गलत बोल देते थे? जैसे बहुत जिंदगी होता है, जिंदगी बोलते हैं बहुत से लोग, तो कुछ होता था ऐसा? बहुत बहुत बार भगवान, मैं मतलब मेरे को से प्रॉपर मैं से नहीं बोल पाती थी, क्योंकि हम है ओके बोलते हैं, यूज करते हैं ऐसे जी के है, और यहाँ पे बोलते केस है ऐसे करके। तो मैं से को से शलजम वाला से बोल देती थी ऐसे ओके करके। तुम बहुत शुरू में तो इतनी प्रॉब्लम आई थी, एक अपनी भाषा को छोड़ के किसी अदर लैंग्वेज में हम काम करते हैं ना तो आती है प्रॉब्लम, लेकिन इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। बस ये सह है ना, आज तक भी मजा लेते हैं मेरा जी सह को सह ये बोलते बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर आके थे। लैंग्वेज भी थोड़ी सी बदलनी पड़ी। वैसे राजस्थान से आप आती हैं, राजस्थानी एक सॉन्ग मैंने आपका सुना है, पतली कमर, टी सीरीज का टैग लगा हुआ है, टी सीरीज राजस्थानी पर वो अपलोड हो रखा है यूट्यूब पर, और हाँ जी 4.3 मिलियन से ज्यादा उसके व्यूज हैं। तो हाँ जी राजस्थानी सॉन्ग, ये हरियाणवी सॉन्ग से पहले प्लान था कि ये करना है, या बाद में प्लान हुआ कि चलो वहां से आ रहा है तो उसे भी करते हैं? ऐसा नहीं है। अब जैसे मैंने बलम अल्टो सॉन्ग किया था तो वो राजस्थानी था, तो मैं स्टूडियो में उस टाइम पे मैं मौजूद थी वहां पे, नहीं तो पता नहीं कोई और सिंगर, लेकिन मेरे भाग्य में था वो। तो फिर वो नवीन विशु सर आ रहे थे खाटू से, तो पता नहीं वो बता रहे थे कि उनके सामने ही मतलब चलते चलते कोई अल्टो गाड़ी थी वो एक्सीडेंट हो गया, हो गया पलटा खा गई वो ऐसे करके। तो फिर राइटर का तो दिमाग आपको पता ही कैसा चलता है, बिल्कुल बिल्कुल तो उन्होंने उसी टाइम वो कर दिया, कदे खाजा पलटो अल्टो ऐसे करके। तो उन्होंने 2-3 लाइनें भेजी योगी अंजाना भैया को, फिर बोले कि है ना इसको डब करवा ले, मैं आ रहा हूँ। फिर हम कहा ठीक है आ जाओ। तो हम बोले कि कौन है सिंगर यहाँ पे, बोले वंदना है आई हुई है, तो मैं करवा लेता हूँ। ठीक है फिर वो आए, थोड़ी ट्रैक वगैरह थोड़ी रेडी करी, इतने में वो आ गई। फिर उन्होंने थोड़ी कंपोज वगैरह थोड़ी बताई, तो फिर मैंने कहा एक बार मैं मेरे हिसाब से गा के देखती हूँ है ना कंपोज, तो अगर आपको गलत लगे तो कोई बात नहीं हम रिजेक्ट कर देंगे, जो आपने बताया है ना वो गा देंगे। फिर मैंने मेरी ओके कंपोज थोड़ी गाई, वो क्या एक बार में ही बोले बेटा हिट है ऐसे करके, और मुंह से ही निकल गया उनके एकदम। फिर मैं कहा ठीक है, अच्छी लगी उनको कंपोज, तो वो कंपोज लगभग मेरी करी हुई है। हाँ तो उसके बाद राजस्थानी का तो ये है ना कि मेरी लैंग्वेज है ये, तो मेरे को अच्छा ओके लगता है और सही भी बैठता है, क्योंकि अपनी लैंग्वेज का तो फर्क ही अलग होता है ना। बाकी बिल्कुल हरियाणवी बिल्कुल मैं बहुत प्रॉपर गा लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है आज के टाइम में, तो बहुत 7-8 साल बढ़िया। हो गए करते करते। अच्छा, इन गानों के, इन गीतों के व्यूज आप कभी चेक करते हो? अभी मैंने जो है ना, हमने आपके गीतों के व्यूज भी लिखे हुए हैं, तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, देखता हूँ कि आप सही में चेक करते हैं नहीं करते हैं। आपके बलम अल्टो पे ओके कितने व्यूज है यूट्यूब पर? करेक्ट आ बलम अल्टो के ये 43 मिलियन है। और बदमाश की चेली, बदमाश की चली के है 1 करोड़ 60 लाख के समथिंग, 16 मिलियन के समथिंग। गलत, 18 मिलियन हो गए, 18 मिलियन हो गए, अच्छा 18 मिलियन है। ये ओके देखा हमारी टीम कितना अच्छा वर्क करती है। चांदी की पजेब पर कितने व्यूज है? 1.1 मिलियन ये ठीक है, ये ठीक है। और
राम माफ, ये तो मतलब बड़ा आपका ना जो है सीरियस वाला है, ये कैसे सोच लिया था राम माफ के लिए, कैसे प्लान किया, इसके बारे में मैं बहुत जानना मेहनत चाहूंगा। करी थी, बहुत ज्यादा मेहनत करी थी, बहुत ज्यादा टाइम दिया था इसको सीरियसली। नहीं तो जितने भी सॉन्ग होते हैं ना, वो बस आधे घंटे में रिकॉर्ड करो चलो ये होता है, लेकिन इस सॉन्ग पे तो बहुत ज्यादा मेहनत करी थी। हालांकि इसका इतना रिव्यू नहीं आया कि शायद इस चीज को कैच नहीं किया, हजम नहीं हुई शायद ये चीज, भाई पसंद आए ना आए, पब्लिक की थोड़ी है ना, तो मेहनत करना अपने हाथ में है, बाकी पब्लिक के हाथ में है बिल्कुल भाई क्या रिस्पॉन्स देती है। और बिल्कुल बिल्कुल फिर कम से कम भी हमने इस सॉन्ग पे 5-6 दिन रेगुलर काम किया था, मैंने सिंगिंग करी, बहुत मेहनत करी है मैंने, शायद आपने सुना होगा तो मैंने बहुत मेहनत से गाया है। और म्यूजिक भी बहुत अच्छा किया है, लाइव भी बजवाए इसमें इंस्ट्रूमेंट, और जब वीडियो बनवाया है शूट किया तो 5 दिन लगाए थे उसमें, 2 दिन 3-4 दिन तो हमने इधर जयपुर में लगाए, और फिर लास्ट डे हमने किशनगढ़ में शूट किया था। तो 3 लोकेशन जो चेंज की है यहाँ पे हमने, इसमें बहुत मेहनत करी, हालांकि रिव्यू नहीं मिला, शायद पता नहीं कब भगवान सुन ले, मेरे को तो भरोसा है अच्छी चीज है चलनी चाहिए। अच्छा वंदना, जब कंपनी लेवल के साथ गाना ही बनता है, वीडियो तैयार होती है, तो हर वीडियो में हर गाने में कहानी होती है, तो क्या वो कहानी सिंगर को भी बताई जाती है, या सिंगर बस स्टूडियो में अपनी रिकॉर्डिंग कंप्लीट करके वहां से वॉकआउट कर जाती है? हाँ, बस इतना ही होता है, बाकी बता भी देते हैं कोई वो बात नहीं है। कई बार राइटर ऐसे होते हैं कि कॉल करते हैं कि भाई एक सॉन्ग रिकॉर्ड करना, फिर वो स्टोरी सुना देते हैं ना पूरी, ऐसे होता है, कभी कभार नहीं होता, बस गा के आ जाते हैं। अच्छा, आजकल सिंगर्स एक्ट भी करने लगे हैं अपने गानों में, तो आप बचते हैं कैमरे से या करना खुश पसंद है आपको? एक बार तो होता है थोड़ा, देखो सब एक बार घबराहट तो सबको होती है, लेकिन एक बार वहां पे जाने के बाद में सब भूल जाते हैं, मैं भूल जाती हूँ सब कुछ, मेरा काम ये है तो मैं करूँ। ऐसे शुरू में होता था कि मैं जब रिकॉर्डिंग करती थी पहली बार माइक के सामने, और जब बड़े बड़े लोग बैठे हो, भाई मेरे से सीनियर बड़े हो गए मेरे से तो बैठे हैं, तो फिर अब होता है शुरू में एक बार तो। और लैंग्वेज शुरू में तो ऐसा हुआ कि मेरे से गाया ही नहीं गया, मैं बार बार, में पता नहीं क्या नाम था वो, मेरा नाम ध्यान नहीं आ रहा, बहुत अटकी थी मैं बहुत ज्यादा उस पे, एक वर्ड पे पता नहीं, गात, हाँ गात को मैं घात बोल रही थी, घात, हाँ ये था बिल्कुल, तो वो, हाँ घात लैंग्वेज का बोल फर्क रही हो थी। गया ना थोड़ा सा, नहीं एक बार एकदम से जुबा पे हाँ, चढ़ता। और मेरे को तो ये भी नहीं पता था ना कि गात होता क्या है, ये भी नहीं पता था गात बिल्कुल बोलू घात बोलू ये होता है, तो शुरू में होती है थोड़ी सी, सबको ही होती है शायद, बाकी अब तो मैं नहीं नहीं, आप बिल्कुल होता है। एंड अब इस समय में आप सुपरस्टार हैं और गानों पे अच्छे खासे व्यूज आते हैं आपके। जब शुरुआत की थी तो फैमिली के बारे में आप थोड़ा सा बात करना चाहेंगे, फैमिली से सपोर्ट था इस फील्ड के लिए कि चलो ठीक है आपको ये करना है तो आप कीजिए? तभी आपके सामने हूं मैं। जी, मतलब सबसे ज्यादा हाँ, सपोर्ट कौन करता है घर में, सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरा शुरू भाई में किसने है, किया और आखिर मेरा कौन? मेरा बड़ा भाई है, वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है मेरे को, बहुत ज्यादा, और उसके तो ड्रीम, शायद मैंने कुछ सोचा ही नहीं होगा, उसकी तो बहुत ज्यादा ड्रीम है, मैं पता नहीं कहाँ पहुंच जाऊँ, कहाँ, बस भगवान सुन ले उसकी जल्दी से, मैं तो ये चाहती हूँ, बहुत बड़े बड़े नहीं, सपने ले रखे हैं उसने मेरे को लेके। आपके सपने पूरे हों। और सपना चौधरी के साथ भी आपने काम किया है, तो उन्होंने वीडियो की थी आपके गाने की बलम अल्टो, उनसे मिलना हुआ था उस दरमियान? तो हाँ हुआ था, और उसके बाद तो हमने और भी काफी प्रोजेक्ट कर लिए जो अभी मार्केट में आए नहीं है, अभी धीरे धीरे आएंगे। जब मुलाकात होती है उनसे तो क्या बातें होती हैं, फिर जब शूट से पैकअप वगैरह होता है, या पहले या बाद में? बिल्कुल नेचुरल है वो, बिल्कुल डाउन टू अर्थ, ऐसा पता ही नहीं लगता कि इतने बड़े आर्टिस्ट है, वो महसूस ही नहीं होने देते बिल्कुल भी 1% भी, बहुत अच्छा नेचर सच्ची में, आप अब ये मत सोचना कि बड़ाई कर रहे हैं, सच्ची में उनका नेचर है ना बिल्कुल वो डाउन टू अर्थ है, और मुझे तो बहुत है ही वो ही पसंद है मेरे को तो हरियाणा में। नहीं हाँ नहीं मैंने सीरियसली मीनाक्षी मेरे जी को से भी बहुत यही ज्यादा सवाल पसंद किया है। था, मीनाक्षी पांचाल मैम का जब इंटरव्यू मैं कर रहा था तो उनसे ही पूछा था मैंने उनके बारे में, तो उन्होंने भी ऐसे ही बोला। तो वाकई में सपना मैम है ऐसी, और कांस में अभी गई हैं, हरियाणा का नाम रोशन किया है, सो ऐसे ही वो आगे बढ़ते रहें और करियर में कुछ ना कुछ बिल्कुल अच्छे करते रहें। कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में आपके जानना चाहेंगे, क्या कुछ अभी अपकमिंग सुनने देखने के लिए हमें मिलेगा, जनता को क्या परोसने वाले हो अभी आप?
अभी देखो मैं तो यही सोचा था मैंने कि कुछ करूंगी अभी, अच्छा ही करूंगी है ना, और कुछ अच्छा आने के बाद तो हम बहुत रिकॉर्डिंग आती रहेंगी फिर तो, है ना, थोड़ा सा नाम होने के बाद में। तो भगवान करे कि भाई जो प्रोजेक्ट मैंने करे हैं वो हो जाए जो मैं सोच रही हूँ। अभी एक तो दिलेर सर के साथ आ रहा है मेरा प्रोजेक्ट, दिलेर खरकिया सर के ओके साथ, ओके अभी ओके ओके 5-6 दिन में ही शायद रिलीज हो जाए वो, 20 बरस का छोरा। ओके बिल्कुल टाइटल बता देती हूँ मैं आपको पहले बिल्कुल। ही। नहीं, एडवांस में हाँ प्रमोशन करना चाहिए ताकि जनता सुने ज्यादा से ज्यादा। तो हाँ और सपना मैम के साथ आ रहा मेरा अभी टी सीरीज से, ऊंट गाड़ी राजस्थानी सॉन्ग क्या बात है, है। हाँ एक बार फिर और से एक सपना मैम के सपना, साथ काम। हाँ जी, एक और सपना मैडम के साथ ही कलान और आ रहा है मेरा, और एक नंबर टाइटल है वो सॉन्ग भी, एक नंबर ही है। हाँ बिल्कुल, तो और ये भी सब इसके अदर और भी है, मतलब मेरे को नाम ध्यान नहीं है, बाकी सपना मैम को दे रखे हैं काफी प्रोजेक्ट, और भी बहुत सारी रिकॉर्ड कर रखे हैं जिनकी डील वील शायद होगी होगी, मेरे को पता नहीं है, जो भी है। अच्छा, हरियाणा में गीत इतने अच्छे अच्छे बनने लगे हैं, गाने इतने अच्छे अच्छे बनने लगे हैं, अब वहां पे वेब सीरीज और मूवीज, वेब सीरीज भी बननी शुरू हो गई है, तो प्लान है थोड़ा एक्टिंग में जाने का, अगर कहीं से अच्छा सा ऑफर मिलता है और आपको लगता है कि ठीक है कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं? सिंगिंग से सेटिस्फाइड है? सिंगिंग से सेटिस्फाइड है? मैं मेरा ये है कि बस ठीक है, लिपसिंग तक अच्छा लगता है, लिपसिंग तक ठीक है, लिपसिंग मैं हाँ, कर लेती हूँ क्योंकि फेस वैल्यू भी हम बनाने चाहिए, अगर हम आए हैं दुनिया सुन रही तो ये भी होना चाहिए कि है कौन, है ना, फेस कैसा दिखती कैसी है, तो बस इतने तक ठीक है, बाकी तो एक्टिंग का ये सब कीड़ा है नहीं मेरे अंदर, नहीं है बिल्कुल भी। तो वंदना, थैंक यू नहीं सो मच, आपसे इतने सारे सवाल हुए और इतनी सारी बातें हुई, अभी इंटरव्यू को एंड होगा। करने का समय है, लेकिन आपसे एक प्यारा सा छोटा सा मैसेज जरूर लेना चाहेंगे, हमारा ये जो पॉडकास्ट लोग देखेंगे सुनेंगे उनके लिए क्या मैसेज देकर आप जाएंगे? मेरा तो बस यही कहना है कि अगर हम किसी के भी बच्चे में कोई टैलेंट है तो अगर उसको उसी में जाना तो उसी में जाने दो, लेकिन वो अच्छा होना चाहिए काम, है ना। और अब मेरा मन जैसे भाई मेरा सिंगिंग का है, मेरे घर वाले भाई पढ़ लो ये कर लो, अब मेरा मन है ही नहीं तो मैं कैसे करूंगी, मैं वहां से भी पढ़ाई से भी जाऊंगी और मैं वहां से भी जाऊंगी, तो मेरा तो गया दोनों बिल्कुल तरफ से, तो बिल्कुल मैं बिल्कुल, सपोर्ट करो लेकिन अच्छे काम में सपोर्ट करो, और अपने माँ बाप के लिए करो, जो करो करो तो रेगुलर लगे रहो उस पे, ये नहीं कि करके छोड़ दिया बस जैसे नाम कर दिया, बस कर ली इसने तो बस करना था इतने टाइम, नहीं लगे रहो उस पे। वही है कि हार इंसान को नहीं माननी चाहिए, और जो आप करना नहीं चाहते हैं उसे करते रहें, माँ बाप का नाम रोशन करें, अपना भी नाम रोशन करें, गलत कामों में पड़ने से हमेशा बचें और अच्छे अच्छे काम बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल ये प्यारा सा मैसेज था वंदना की तरफ से, और इसी के साथ ही साथ मैं भी कुछ बातें आपसे कहता हूँ कि हर बार आप अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास साफ सफाई बनाकर रखिए, पेड़ पौधे लगाइए, हरियाली फैलाइए, पानी को बचाइए, घर से जब भी निकलते हैं और निकलते हैं 2-व्हीलर से तो प्लीज हेलमेट को लगाकर जाया कीजिए, 4-व्हीलर से जाते हैं तो सीट बेल्ट लगाकर जाया कीजिए, बाकी क्या रखा है जिंदगी में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बस हमारे नए नए पॉडकास्ट देखते रहिए हमारे नए नए प्यारे प्यारे मेहमानों के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।